हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी यहां पे नहीं रखा गया, ना ही कोई एग्जामिनेशन होगा, टोटल मेरिट बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस वीडियो में सारी डिटेल कवर यहाँ पर आपको करने वाले हैं, सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि एप्लीकेशन जो निकाला गया ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर निकाला गया, जो कि वन ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप ये रहने वाला है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड इसके लिए कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है उसके बारे में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन यहाँ से करके अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सबसे पहले चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई आपको करना है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है कि ये जो ट्रेनिंग आपका रहने वाला है वन ईयर का जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें कि डिप्लोमा और बीबीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है, इसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जिसका कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई नाउ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा या बीबीटेक किया है एरोनॉटिकल में तो अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल में किया है, इंडस्ट्रियल में किया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है, केमिकल और कमर्शियल प्रैक्टिस में आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास डिप्लोमा या बीबीटेक की डिग्री होनी चाहिए तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो डिग्री कंप्लीट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 2000 अगर आप 19 पास आउट हैं, 20 पास आउट है और 21 पास आउट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, बाकी अगर आप 2019 से पहले आपने डिग्री कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही आगे दिया गया है कि अगर आपने पहले से कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 1 साल या उससे ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तीसरा चीज़ है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका रहेगा वो टोटली मेरिट बेसिस पर रहेगा, तो आपका जो भी मार्क्स है वो क्लियरली आपको मेंशन यहाँ पे करना होगा, जो आपका डिप्लोमा या बीबीटेक में मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के इस लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई नाउ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपका 25/9/2021 यानी 25 सितंबर 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका डिप्लोमा या बीबीटेक में जो भी मार्क्स होंगे उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा, और जैसे ही मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा इसकी सूचना आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट HAL पे मिल जाएगी। तो HAL के पोर्टल पे विजिट करना है, वहाँ पे आपको सारी जानकारी अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं तो उसके बारे में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई नाउ का लिंक पे चलते हैं, वहाँ से डिटेल्स आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ का लिंक पे आएंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है और यहाँ पे जनरेट OTP करना है। OTP जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, ना ही कोई आपका एग्जाम होगा, डायरेक्टली टोटली जो है मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।